मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। इमरान नामी नौजवान जो अब बहुत ही मुसीबत और मुश्किल में है, इस वजह से कि वो हक की बात MLOs से पूछा करता था और कॉरपोरेटर को फ़ोन करता था। हक की बात सुनने की आदत ना तो अवाम को है और ना ही कोई लीडर को, क्योंकि जैसे ही वो सुनता है तो इसे तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि मेरे बारे में तू मुझे पूछता है। अब ये ज़माना ऐसा है, नफसा नफसी का ज़माना है। अब यहाँ पर भाई भाई का नहीं, बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं। ऐसे ज़माने में आप सियासतदान जो झूठे वादे करते हैं इख्तदार पर आ जाते हैं और फिर ये आपके दिए हुए वोट से बेशुमार दौलत के मालिक बन जाते हैं, फिर अब इनकी आँखें पेशानी से भी ऊपर आ जाती है, आप को देख नहीं सकते हैं। ये कोई एक ऐसा कॉरपोरेटर या MLA बता दीजिए आप जो गरीबी की जिंदगी गुजार रहा है और रात दिन अवाम के पीछे खिदमत कर रहा है। शायद कोई एकाध होगा, लेकिन वो गरीब तो हो नहीं सकता। अब ये सियासत में आने से पहले हमारे MLA रहो या कॉरपोरेटर रहो, क्या रहते हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं। इसके बाद ये बेशुमार दौलत के मालिक हो जाते हैं। अब हम सच्चाई पर आते हैं। इमरान को जो फंसाया गया है, इसको फंसाने वाले कोई BJP, RSS या विश्व हिंदू परिषद के नहीं, अपने ही भाई है जो इसकी जिंदगी से खेलकर इस पर मुकदमा बुक करा के, और इसे सबसे पहले इसकी बड़ी गलती तो ये है कि इसे बॉन्ड ओवर जो किया गया वहां से ही ये बेचारे की कहानी शुरू हो गई। अब इसकी हो सकता है इतने केसेस के बाद रोडी शीट खुलेगी, फिर और ज्यादा आवाज करेगा तो PD Act भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पुलिस ओहदेदार बेचारे क्या करेंगे, वो सियासी दबाव में रहते हैं। अगर ये नहीं सुनते हैं तो इनका फौरी CCS या SB या फिर दूसरे महकुमों में ट्रांसफर हो जाता है। अगर पुलिस को खुली छूट दी जाए और कोई सियासतदान का इन पर दबाव नहीं रहे तो आप देखिए, एक छोटे बच्चे के हाथ से ना बिस्किट छीनेंगे, ना कोई चोरी होगी, ना कोई गांजा बिकेगा। सियासतदान के दबाव में हमारे लीडर काम करते हैं, ना ही कोई कत्ल गारत गिरी होगी। मौजम खान को मैं शख्सी तौर पर जानता हूँ, ये बेइंतहा शरीफ इंसान हैं, लेकिन पता नहीं ऐसी गाली गलौज क्यों कर रहे हैं। मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, ऐसी गालियाँ फुटपाथ पे रहने वाला भी कोई ऐसी गंदी गालियां नहीं देता, लेकिन उनके मुंह से गालियां निकल रही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अब उसका कसूर यह है, वो मस्जिद में पानी दाखिल हो रहा है, ये कहना उसकी गलती है। बस अब इसकी सजा बेचारे को भुगतना पड़ेगा। अरे भाई, सवाल मत करिए आप, अगर आप भी सवाल करेंगे तो फिर जेल की हवा खाना आपको भी पड़ सकता है, क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं। अल्लाह से दुआ करिए और अल्लाह इनको हिदायत दे कहिए। आइए देखते हैं कॉल रिकॉर्डिंग और ये सारी इमरान को जो फंसाया गया इसकी दास्तान। अस्सलाम वालेकुम, हैदराबाद की आवाम के लिए एक मेरा मैसेज है। ये काला पत्थर मक्का कॉलोनी का नाला है, जिसकी वजह से यहाँ पर गौसे सकलेन मस्जिद है, इसमें पानी घुस जाता है हर वक्त, आप लोग न्यूज़ में देखे भी होंगे। तो इस ताल्लुक़ से मैं मौज़म खान MLA को कॉल करता हूँ। तो मौज़म खान MLA का रवैया देखिए आप, कैसा गाली गलौज है। मौज़म खान, तुमको बोलूँगा तुम रिज़ाइन करो अपने पोस्ट से। ज़रा आप लोग को वो रिकॉर्डिंग भी भेजूँगा मैं, ज़रा देखिए क्या गलत सवाल करा मैं इनसे। ये मस्जिद है, आप इसकी न्यूज़ भी देखे होंगे, इसमें जब भी बारिश होती है मस्जिद में पानी घुस जाता है। क्या ये सवाल करना गलत है इनसे, वोट दे के इनको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम साहब, मैं मोहम्मद इमरान बोल रहा हूँ। जी बोलिए साहब। मैं आपको कॉल भी करा था उससे पहले भी, ये गौसे सकलेन मस्जिद के ताल्लुक से। आप फोन रखिए,
जी हाँ फोन रख डालो आप, मतलब साहब समझाने में मस्जिद फोन रखो नहीं तो गांड टिटी तोड़ कर घर पे भिजा के लोगों को फोन तो मतलब साहब ये जबरदस्ती आप लोगों की, आप एमएलए है आपकी जबान है फोन रख तेरी अम्मा कुछ क्यों तो तेरी ठीक है साहब ये सब सुन रहा हूँ मैं, आप कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं, एमएलए है आप क्या है साहब फैन के रोड़े फोन रख। अरे साहब आपको मस्जिद के मतलब में मस्जिद में पानी घुस जा रहा पानी पड़ा तो हेलो कहाँ रह रहा रे तू आजकल, कहाँ रह रहा बोले तो साहब, कहाँ रह रहा तेरा घर कहाँ है मौजम खान साहब, आप रेस्पेक्ट से बात करो, वोटर हूँ मैं आपका, सुने आप कुछ हो तू मारे क्या करते जान से मारने लगा देते आप मेरे को, मार तुम बोल कहाँ रहता तू, काला पत्थर में जो रहता हूँ आपका वोटर हूँ मैं, सुने घर पे थोड़ी देर में आ रहा हूँ तेरे पास, ठीक है आपको वोट देना फिर गालियाँ सुनना है आपके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, ये जो आप लोग रिकॉर्डिंग सुने हैं हमारे मौजम खान साहब एमएलए बहादुरपुरा जिनका मैं वोटर हूँ, आप लोग देखिए मौजम खान साहब का रवैया कैसा है, मैं इनसे क्या गलत क्वेश्चन करा, इनसे मेरी 9 अक्टूबर के दिन भी बात हुई थी जब अच्छा रिस्पॉन्स दिए थे कॉल का, जब ये बोले थे मस्जिद गौसे सकलेन के पास जो नाला है उसका काम करा दे तुम बोले थे, अब तक वो काम पेंडिंग है, उसी ताल्लुक से मैं 31 अक्टूबर को कॉल करा मैं इनको, तो न माँ बहन की गाली देते, तो आप लोग भी ये न्यूज़ देखे थे मस्जिद गौसे सकलेन की, जब भी बारिश होती है हैदराबाद में या कहीं भी, तो जब भी बारिश होती है तो मस्जिद गौसे सकलेन जो काले पत्थर मक्का कॉलोनी में है वहाँ बारिश का पानी दाखिल हो जाता है तो काफ़ी मुश्किलात पेश आती है, तो उसी ताल्लुक से मैं इनको कॉल करा हूँ, उसकी वीडियो भी भेजूँगा सब जगह में, ये भी देखिए, तो हमारे मौजम खान साहब वो सवाल की जगह जवाब गाली देते हैं मेरे को, मौजम खान साहब आपकी मैं कल तक रेस्पेक्ट करता था लेकिन आज आपकी रेस्पेक्ट नहीं करूँगा मैं मेरा वोटर का फ़र्ज़ निभाया मैं, आपको मस्जिद में जो परेशानी है उस ताल्लुक से ही आपसे सवाल करा मैं, कोई गैर ज़रूरी बकवास सवाल नहीं करा मैं आपसे, तो आप मेरे को माँ बहन की गाली दिए, जबान मेरे को भी थी लेकिन मैं कानून की भी रेस्पेक्ट करता हूँ आपकी भी रेस्पेक्ट करता हूँ, बल्कि मैं आपकी गाली खामोश सुना मैं, लेकिन इसका मतलब आप ये नहीं कि आप घर पे गुंडों को भी जाते जान से मारने लगा तो बोल रहे आप, ये कौन सी इंसानियत है साहब, आपको वोट देना फिर आपसे धमकियाँ सुनना गालियाँ सुनना, मैं यही बोलूँगा भाई ये मजलिस के MLA कॉरपोरेटर सब बकवास है, सब मेरी जान गई परवाह नहीं, लेकिन हैदराबाद के उन भाइयों को बोलूँगा जो सच्चाई और हक़ के रास्ते चलते, वो लोग देखिए आप इन लोग का जुल्म भी देखिए इनका रवैया भी देखिए, इनको हम वोट भी देना है इनके वोटर भी बनना है, इनसे गाली भी सुनना है, फिर अपने घर पे अटैक भी करा लेना है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं हक़ पे हूँ, अल्लाह रसूल फिर उसके बाद मेरे माँ बाप मेरे साथ है, फिर मेरे चाहने वाले मेरे साथ है, मैं शहीद भी हुआ तो एक मर्द मुजाहिद के साथ शहीद हूँगा, मर्द पैदा होता है शहीद होने के लिए, लेकिन मैं ऐसे लोग के सामने अपना सर झुकाऊंगा नहीं इंशाल्लाह, आप जो करना है मेरे ऊपर झूठे केसेस करना है करिए, मेरी जान लेना है जान लीजिए, जेल में डालना है डालिए, हक की राह पे हमेशा रहूँगा मैं, अल्लाह हाफिज़, मेरा यह हैदराबादियों के लिए मैसेज है, देखिए आप इनका रवैया कौन सही कौन गलत आप ही फैसला करिए। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की, 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले 7H न्यूज।